सामने आना शुरू हुआ एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक की कहानी का रिएक्शन। अरे सर, हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए थे एडमिशन से। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सर। एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर खानसर की कोचिंग में मचा कोहराम। खानसर ने कहा, हमारे ही सेंटर से 93 पतियों ने अपनी पत्नी का कटवा दिया है नाम। जी हां, एसडीएम ज्योति मौर्य केस का दुष्प्रभाव देश भर में अब देखने को मिल रहा है। बिहार में एक शख्स पिंटू सिंह ने इलाहाबाद में तैयारी कर रही अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी, तो वहीं अब बिहार के मशहूर कोचिंग टीचर खानसर ने एक वीडियो में दावा किया है कि उनके यहाँ 93 पतियों ने अपनी पत्नी का एडमिशन रद्द करवा दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसडीएम की पोस्ट पर तैनात ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का रिश्ता इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। ज्योति मौर्य पर पति आलोक ने गंभीर आरोप लगाए, एसडीएम ने पति और उसके परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाया, तो वहीं आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो उसे मरवाना चाहती है। ग्रुप डी कर्मचारी आलोक मौर्य ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। आलोक का कहना है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद ज्योति ने उसे धोखा दे दिया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के देश भर के अलग अलग जगहों से तमाम रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं ऐसे में बिहार में कोचिंग चलाने वाले मशहूर खान सर ने एक क्लास के दौरान कहा, कभी कभी लोग ऐसी गलती करते हैं कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं, अब कौन पढ़ाएगा। ज्योति मौर्य केस पर खान सर अपने क्लास में चर्चा कर रहे थे। एक दूसरे वीडियो में खान सर ने दावा किया कि हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 लड़कियों के पति अपनी पत्नी को लेकर चले गए। खान सर का कहना था कि एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बाद पतियों ने अपनी पत्नी की पढ़ाई रोकने का निर्णय लिया है, जो कि सरासर गलत है। खान सर ने ये भी कहा कि ये गलत बात है और किसी की गलती की सजा किसी और को नहीं दे सकते हैं। खान सर ने कहा कि उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन एक हद तक ही लोगों को समझाया जा सकता है। खान सर ने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पढ़ाई ऑनलाइन भी हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले बक्सर बिहार से एक मामला सामने आया था, जहां पर पिंटू सिंह नामक एक शख्स ने अपनी पत्नी खुशबू की पढ़ाई रोक दी। पत्नी शिकायत लेकर थाने पहुंच गई। पुलिस वालों ने दोनों को समझाने की कोशिश की। पति पिंटू सिंह का दावा था कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो पत्नी को आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। हालांकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पिंटू सिंह एसडीएम ज्योति मौर्य केस से प्रभावित थे। वैसे इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या सभी को एक तराजू में तौलना ठीक है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और देखते रहें सनातन टाइम्स।